तो हे गाइस, तो आज हम बात करने वाले लीसा एने के बारे में। लीसा एने का जन्म 9 मई 1972 में पेंसिल्वेनिया में हुआ था। वो अमेरिकन है। लीसा एने ने अपनी पढ़ाई एस्टोन एरिया हाई स्कूल में करी थी। उसके बाद उन्होंने डांसिंग करना शुरू किया। लीसा के परिवार के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता है। लीसा ने एक बाउंसर के साथ शादी की थी, लेकिन कुछ साल बाद उनका तलाक हो गया था। लीसा ने अपने एडल्ट करियर की शुरुआत 1994 में की थी और उनकी पहली फिल्म फ्लैश फॉर फैंटास्टिक थी। अपने करियर की शुरुआत में उसने 2 साल के लिए मेट्रो गेल विस्टा के साथ एक एग्रीमेंट पर साइन किया था। लीसा ने 1997 में एडल्ट इंडस्ट्री को काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि उस वक्त एड्स के डर की वजह से उसने वो इंडस्ट्री छोड़ दी। फिर 2006 की साल में लीसा ने अपना करियर की फिर से शुरुआत की। लीसा ने क्रिश्चियन के साथ ब्रावेस्टिन में काम किया। 2010 में को होस्ट की तरह भी काम किया। उसके बाद से ही लीसा एने एडल्ट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गई। उस वक्त एडल्ट इंडस्ट्री में सबसे नंबर वन और सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में से लीसा एने का नाम ही आता था। उसके बाद लीसा एने ने 2014 में फेसबुक पोस्ट से जरिए बताया कि मैं रिटायरमेंट ले रही हूँ। रिटायरमेंट लेने की एक खास वजह थी, क्योंकि उस वक्त लीसा के अपने बढ़ते हुए स्तन के आकार को कम करने के लिए लीसा ने सर्जरी की थी। फिर सर्जरी खत्म होने के बाद 2018 में फिर से एडल्ट इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। किसी ने सच ही कहा, अगर आप मन और लगन से मेहनत की जाए तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच सकते हैं। लीसा की कोई संतान नहीं है। लीसा ने एक एडल्ट स्टार के रूप में बहुत ही फेमस हुई और उन्हें कई सारे अवार्ड भी मिले। 2010 में MILF और 2012 में भी बेस्ट MILF का अवार्ड मिला था। लीसा एने की नेटवर्थ $4 मिलियन है। उनकी ज्यादातर कमाई डांसिंग, एक्टिंग, फिल्म और कोहोस्ट में ही होती है। अब हम लीसा एने के बॉयफ्रेंड हस्बैंड के बारे में बात करते हैं। साल 2009 में जिम में रैप कार्डिशन और 2014 में रेजर्स हॉकी खिलाड़ी माइकल डेल बोट के साथ डेटिंग की थी, पर कुछ साल बाद उन दोनों को ही छोड़ दिया था। लीसा ने एक इंटरव्यू में बताया था, अगर मैं एडल्ट इंडस्ट्री में काम नहीं कर रही होती तो आज मैं स्पोर्ट एजेंट्स या राइटर, ब्लॉगर या रिपोर्टर होती। तो आपको कैसे लगी लीसा एने की बायोग्राफी? अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और हाँ, अगर आप लीसा एने के और अधिक जानना चाहते हो, उनके फैक्ट के बारे में, उनके कोई राज के बारे में, बिहाइंड सीन्स के बारे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। अगर आप लोग मियां खलीफा की बायोग्राफी देखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखिए। अगर आप लोग अलूरा जंक्शन की बायोग्राफी वीडियो देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखिए।